श्रीदेवी अगर आज जीवित होती तो अपना 61वां जन्मदिन मना रही होती। श्रीदेवी जो कि हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सुपरस्टार मानी गई, 80 का पूरा दशक कहते हैं वो श्रीदेवी के नाम रहा। वो दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन का एरा ख़त्म हो रहा था और उस दौरान बॉलीवुड में कोई इतना बड़ा हीरो नहीं था जो दर्शकों को टिकट खिड़की तक खींच सके, और ऐसे में बॉलीवुड में आई थी श्रीदेवी, जिन्होंने नगीना, चांदनी, चालबाज, हिम्मत वाला समेत कई फिल्मों में काम किया और उस दौरान वो बॉक्स ऑफिस की क्वीन बनी। आज हम आपको दिखाएंगे वो होटल जहां 24 फरवरी 2018 को हुआ था श्रीदेवी का निधन। जी हाँ, श्रीदेवी अपनी फैमिली की शादी में शामिल होने के लिए गई थी। संदीप मारवा, जो कि अनिल कपूर के जीजा लगते हैं, उनके बेटे मोहित मारवा की शादी हुई थी दुबई में और श्रीदेवी अपने पूरे परिवार के साथ वहीं पहुंची थी। शादी के 3-4 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश सन्न रह गया था। बताया गया कि श्रीदेवी होटल के बाथटब में डूब कर मर गई। श्रीदेवी के बर्थ एनिवर्सरी पर उनके पूरे परिवार ने उन्हें याद किया। बता दें कि उनके पति बोनी कपूर, दोनों बेटियां जानवी और खुशी ने उनकी अनदेखी तस्वीरें शेयर की। वहीं जानवी कपूर अपनी मां के बर्थडे पर बालाजी मंदिर पहुंची। दक्षिण भारतीय मूल की होने के कारण श्रीदेवी भगवान बालाजी में बहुत आस्था रखती थी और अब उनकी बेटी जानवी कपूर इस लेगेसी को संभाल रही हैं। जानवी कपूर अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ बालाजी मंदिर पहुंची और उन्होंने अपनी मां के लिए प्रेयर किया। इस दौरान जानवी साड़ी पहने हुई थी जबकि उनके बॉयफ्रेंड शिखर धोती कुर्ते में नजर आए। दुबई के 5-स्टार होटल जुमेरा एमिरेट्स में हुई थी संदीप मारवा के बेटे की शादी और इसी होटल में श्रीदेवी कुछ और दिनों के लिए ठहर गई थी। उनके परिवार के सभी लोग लौट आए थे लेकिन श्रीदेवी को दुबई में शॉपिंग करनी थी, लिहाजा वो वहीं रह गई थी। आपको ये बता दें कि दुबई का ये होटल बहुत ही मशहूर है, यहाँ बॉलीवुड की कई पार्टियाँ होती रही हैं, दुनिया भर के लोग आकर इस होटल में ठहरते रहे हैं और इसी होटल में हुई थी कपूर फैमिली में एक बहुत बड़ी शादी। इसी बीच 24 फरवरी की सुबह ये खबर आई कि श्रीदेवी नहीं रही। आपको बता दें कि करीब 2-3 दिन लग गए थे श्रीदेवी की बॉडी को वहाँ से लाने में क्योंकि उनका पोस्टमार्टम हुआ था। श्रीदेवी होटल के कमरे में मरी हुई पाई गई थी तो ये भी एक शक था कि कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं। वहीं उनके परिवार के लोग, उनके पति से भी पूछताछ की गई थी, उनके साथ जो लोग वहाँ गए थे उनसे भी पूछताछ किया गया। पोस्टमार्टम हुआ और फिर पोस्टमार्टम में ये पता चला कि श्रीदेवी बाथटब में डूब गई थी। बताया जाता है कि श्रीदेवी नमक नहीं खाती थी और इस वजह से कई बार वो फेंट हो जाती थी। ऐसे में ये अनुमान लगाया गया कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश हो गई थी और इसी वजह से उनका निधन हुआ। ये होटल अचानक से चर्चा में आ गया था क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड की एक नामचीन एक्ट्रेस का निधन हो गया था। तो आपको बता दें कि इस होटल का नाम है जुमेरा एमिरेट्स टावर और ये दुनिया के आलीशान होटल्स में से शामिल है। ये होटल बॉलीवुड सितारों का फेवरेट डेस्टिनेशन भी रहा है। यहाँ पर पार्टियाँ होती हैं, यहाँ पे शादियाँ होती हैं, बॉलीवुड सितारे जब यहाँ पहुँचते हैं तो रुकते हैं और इसी होटल में श्रीदेवी के परिवार ने भी भव्य फंक्शन किया था। इस 5-स्टार होटल के अलग अलग देशों में कई ब्रांच है। इस होटल में लग्जरी रूम, रिजॉर्ट, स्विमिंग पूल, जिम सहित कई सारी फैसिलिटीज है। दुबई स्थित जुमेरा एमिरेट्स के 2 टावर हैं और ये दोनों ही 56 मंजिल की हैं। इस होटल को जुमेरा इंटरनेशनल ग्रुप ऑपरेट करता है और यहाँ ये जो 2 टावर्स हैं इनको दुबई में 2 सिस्टर्स के नाम से भी बुलाया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की लिस्ट में ये 48वें नंबर पर है। वहीं दुबई की ये तीसरी सबसे ऊंची होटल है। इस होटल में 40 लग्जरी सुइट और 400 रूम हैं। जुमेरा एमिरेट्स टावर के सामान्य डिलक्स रूम का किराया है करीब 30,000, वहीं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव स्वीट का किराया है करीब 42,000 और प्रेसिडेंशियल स्वीट का किराया है 1,40,000। श्रीदेवी का निधन दुबई में हुआ था और दुबई पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की थी। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद जो है ये खुलासा हुआ था कि श्रीदेवी के निधन की वजह क्या है। हालांकि उसके बाद भी कई तरह की स्टोरेज श्रीदेवी को लेकर बनती रही और उनके मौत को हमेशा एक रहस्य माना गया। लेकिन आपको बता दें कि पोस्टमार्टम में यही माना गया कि श्रीदेवी
बाथटब में डूबकर मर गई। वहीं उनके पति बोनी कपूर ने भी खुलासा किया था कि श्रीदेवी नमक नहीं खाती थी ताकि उनका वेट कट हो, और इस वजह से वो अपने घर में पहले भी कई बार बेहोश हो जाया करती थी, और यही माना गया कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश हो गई थी। बताया जाता है कि उस समय बोनी कपूर भी उसी होटल में थे, वो श्रीदेवी को लेने के लिए गए थे और बोनी कपूर इंतज़ार कर रहे थे कि श्रीदेवी तैयार होकर बाहर आएंगी, और काफ़ी देर तक जब वो वॉशरूम से बाहर नहीं आई तब बोनी कपूर ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और दरवाजे को तोड़ा गया तो श्रीदेवी उसमें मृत पड़ी थी। श्रीदेवी जब गई इस दुनिया से तो वैसा जो ट्रिब्यूट है, जैसी लोग उनके फ्यूनरल में जुटे थे, शायद इससे पहले किसी और स्टार का नहीं हुआ होगा। पूरा मुंबई जो है एक तरह से उनको अंतिम विदाई देने के लिए जुट पड़ा था, और उनकी जो शव यात्रा निकली थी वो काफ़ी लोग थे उसमें। वहीं पूरा बॉलीवुड उनको उनके आखिरी दर्शन करने पहुँचा था। वहीं आपको बता दें 4 से 5 दिनों तक श्रीदेवी के निधन पर मीडिया कवरेज करता रहा। वहीं आज तक जो है उनके निधन पर बातें होती रहती हैं, लोग आज भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिस्ट्री मानते हैं, लेकिन दुबई पुलिस ने क्लियर कर दिया था कि उनके निधन में कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, और लोग आज भी जो है जैसे दिव्या भारती हो, सुशांत सिंह राजपूत हो, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जिनके निधन पर जो है हमेशा चर्चा होती रही है, और श्रीदेवी का निधन भी कुछ ऐसा ही है जिस पर हमेशा बातें होती रहेंगी।